अंतस योग में आपका स्वागत है। मैं मिसेस जैन, योग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे, रोज आप ऐसा क्या करें कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होती रहे, यानी आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो अपने आप बाहर जाते रहें। बेसिकली आपकी बॉडी में इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है कि वो अपने आप टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। बस हमें ज़रूरत है उस सिस्टम को सपोर्ट करने की। यहाँ हम बहुत ही कुछ इजी एक्सरसाइज बता रहे हैं जिन एक्सरसाइज से हम अपने सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल वर्कआउट। दोनों पैरों को 60 डिग्री पर उठाकर श्वास को सामान्य रखते हुए गोल गोल चलाइए। यदि हम अपने सिस्टम को हेल्दी रखेंगे, उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, अनावश्यक खाने का भार बार बार नहीं डालेंगे, प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, तो हमारी बॉडी का जो डिटॉक्स का प्रोसेस होता है वह अच्छे से काम करेगा। तो उसका परिणाम होगा हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन, हेल्दी बॉडी, फिट बॉडी। नेक्स्ट वर्कआउट, सांस को बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को चेस्ट के ऊपर लाएं, सांस को भरते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ फेंकें 10-20 टाइम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और एक्सक्रेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात, शरीर को डिटॉक्स करना सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दरअसल शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करवाना, पोषण देना, आराम पहुंचाना ही डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। इस दौरान शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हमारी किडनी, त्वचा, फेफड़े, हांते, हमारा पूरा फिजिकल सिस्टम हेल्दी रहता है। इन सभी एक्सरसाइज से, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और हमारी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट सही बनी रहती है। एक्सरसाइज नियमित करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर से विषैले पदार्थों को निकलने में भी अपने आप मदद मिलती है। इन सभी एक्सरसाइज से, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, फिजिकली हम एक्टिव होने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हमारा भीतर का तनाव कम होता है, विचारों में शांति आती है और हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। इन सभी एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर लें, जैसे पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी। इन सभी में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन इनका सेवन अच्छी तरह से धोने के बाद ही करें। हरी सब्जियां लेने के साथ साथ अपनी डाइट में खीरे को भी ऐड करें। खीरा में एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो कि शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, और नींबू भी शरीर को टॉक्सिन्स फ्री बनाने में बहुत मदद करता है। खीरे और नींबू का डिटॉक्स बनाने के लिए एक जार में खीरे और नींबू के टुकड़ों को काटकर पुदीने के पत्तों के साथ जार में डालें और पानी भरकर रात भर पड़ा रहने दें। सुबह इसका सेवन ज़रूर करें। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और वेट लॉस के लिए एक काम और करें। चीनी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप शुगर खाते हैं, आपकी आंतों पर इंसुलिन को उतना ज़्यादा पैदा करने का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होने का खतरा पैदा हो जाता है, इसीलिए टॉक्सिन्स फ्री रहने के लिए चीनी का सेवन कम करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, वेट लॉस के लिए बॉडी को डिटॉक्स रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं। पानी शरीर से मल मूत्र और पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स निकालने के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप पानी में नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं, जिससे शरीर टॉक्सिन्स फ्री रहता है और ऊर्जावान भी बनता है। इन सभी एक्सरसाइज और टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके शरीर को डिटॉक्स करें। ध्यान रखना, गंदगी सिर्फ हमारे आसपास ही मौजूद नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर में होती है। इसी के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ, जैसे तनाव, अनिद्रा, कोल्ड, फ्लू, इनडाइजेशन और वजन बढ़ने जैसी कई समस्याएं होती हैं। समय रहते यदि इनका उपचार न किया जाए तो ये सहायक बीमारियां बहुत बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इन सभी बीमारियों से निजात पाने के लिए देखते रहिए अंतस योग, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ।